एक क्वेश्चन और सबसे जरूरी था कि बहुत लोग बहुत दिन से ये कंफ्यूजन मन में रखे हुए हैं कि हम लोग जो है नया वाला आर्थिक सर्वेक्षण कर लें या इसके पहले वाले आर्थिक सर्वेक्षण को भी इसके साथ में करना चाहिए। तो देखिए, सामान्य सा चीज़ है कि इस जवाब का जो उत्तर है ना वो सटीक तौर से कोई नहीं दे सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि बीपीएससी कौन सा क्वेश्चन पेपर यूज़ करेगी। वो पुराना वाला क्वेश्चन पेपर यूज़ करेगी या फिर नया क्वेश्चन पेपर बना करके आपको यूज़ करेगी। तो इसका सटीक उत्तर दे पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं आपको कहूँगा कि आपको जो है नया वाला आर्थिक सर्वेक्षण ही करके जाना चाहिए, और अगर आपके पास टाइम है और बना बनाया मटेरियल आपके पास में है या कोई भी आपकी जो मंथली मैगजीन है करेंट अफेयर की उसमें भी आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण दिया हुआ होगा, पिछले बार वाला भी है ना, तो इन दोनों को अगर आप मिला करके पढ़ लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। 3-4 क्वेश्चन इससे आते हैं और वो भी मुख्य मुख्य जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत मुश्किल नहीं होते आइडेंटिफाई करना, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता भी दूंगा कि कौन सा आपको पिछले बार वाले आर्थिक सर्वेक्षण से भी पढ़ना ज़रूरी होता है। तो सटीक तो उत्तर दे पाना मुश्किल है, लेकिन आपको अगर आपके अलाउ करता और आपने प्रिपरेशन की हुई है तो दोनों आर्थिक सर्वेक्षण को कंपेयर करके पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा डाटा का डिफरेंस नहीं होगा। और इससे क्या होगा, आपकी जो है ना उसको 3-4 बार रिवाइज कीजिएगा तो आसान भी हो जाएगा और 3-4 क्वेश्चन आपका पक्का भी हो जाएगा, है ना। अब सवाल है कि अगर मान लीजिए पुराना वाला कर रहे हैं और नया वाला भी कर रहे हैं, दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो देखिए उससे बेटर है कि आप नए वाला ही कीजिए, ठीक है, नए वाला ही कीजिए। क्योंकि देखिए बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण अगर सिर्फ पूछा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार तो आप नए वाले के अनुसार ही आंसर मारिएगा, लेकिन अगर पूछ दिया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार तो यहाँ पर ईयर स्पेसिफाइड है तो नया वाला होगा। अगर उसमें पूछ दिया कि 2021 का तो इसमें ईयर स्पेसिफाइड है तो इसमें पुराना वाला होगा। तो बेस्ट तो यही रहेगा कि आप दोनों को ही मिला करके करें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आपके पास टाइम है और अलाउ करता है और आपके लिए परेशानी कोई खड़ी नहीं होती है तो, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपकी कन्फ्यूज़न ये बनी ही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन आपको मिला होगा। तो मैं समझता हूँ कि कन्फ्यूज़न तो आपकी पूरी तरह से दूर नहीं कर पाया हूँगा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूँ, लेकिन यकीन मानिए कि इस उत्तर का जवाब जो है ना वो कोई भी पूरी तरह से नहीं दे सकता है, कन्फ्यूज़न आपके माइंड में रहेगा ही। तो बेस्ट क्या होगा कि आप नए वाले को भी कर जाइए और उसके साथ में मिला करके जो डाटा होंगे उसको आप पुराने वाले से भी देख लीजिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे जीडीपी है ना, जीडीपी वाला क्वेश्चन काफ़ी पूछता है कि बताइए कि 2020-21 में जो है जीडीपी कितना था। तो अगर यहाँ पर ईयर स्पेसिफाइड कर दिया कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार की जो सकल घरेलू राज्य उत्पाद जो है वो कितनी है तो नया वाला होगा। अगर वो केवल पूछती है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है तो वो भी नया वाला होगा, लेकिन वहाँ पर अगर पूछ देती है कि 2020-21 के अनुसार क्या होगा तब वहाँ पर पुराना वाला होगा। तो ये वाला जो फैक्ट है ये आपको प्रीवियस ईयर वाले से भी मिला के देख लेना चाहिए। इसके अलावा जो है प्रति व्यक्ति आय है, बिजली का खपत है, प्रति व्यक्ति आय वाले जिले हैं, तो इन सब फैक्ट्स को पूरा का पूरा आपको दोनों को नहीं पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर रहती हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको पॉइंट आउट करवा दूंगा। इसके बाद मैं इसकी समरी ही लाने वाला हूं, तो मैं पॉइंट आउट करवा दूंगा कि दोनों को मिला करके आपको कौन कौन से परफेक्ट को याद कर लेना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा ईजी रहेगा। नहीं तो आपके पास करंट अफेयर की मैगजीन होगी, उसमें जो पहले वाला जो करंट अफेयर की मैगजीन होगी उसमें आपने प्रिपेयर किया ही होगा, है ना। करंट अफेयर में मैंने बताया है कि आपको जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का या फिर मार्च तक का कर ही लेना चाहिए, तो जनवरी से अगर कर दे उसमें भी आपके आर्थिक सर्वेक्षण वाले नोट्स होंगे ही, तो वहाँ से इन सब फैक्ट्स को मिला करके थोड़ा बहुत अपने से भी थोड़ा मेहनत कीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। समय मिलने पर मैं भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो कन्फ्यूजन तो दूर नहीं कर पाया, अगेन मैं आपके लिए सॉरी मांगता हूँ, लेकिन एक कैंडिडेट के हिसाब से बेस्ट तो यही मैं सजेशन दूंगा कि दोनों ही कर लीजिए मिला करके। ज़्यादा फोकस नए वाले पे कीजिए, लेकिन पुराने वाले को भी कम्प्लीटली नेगलेक्ट करके मत जाइए। हाँ, अगर परेशानी हो रही है डाटा को याद करने में तो आप पुराने वाले को छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन नए वाले को आप बिल्कुल करके जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, चलिए कुछ और होगा तो कमेंट में बताइएगा। इसके बाद मैं इसकी समरी ला रहा हूँ और हिंदी में है वो, अंग्रेजी में तो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो, ठीक है, धन्यवाद।